दोस्तों, आज का वीडियो उस महिला पर है जिसने अपने घर में फोन चलाने को लेकर नियम और शर्त लागू कर दिया है, और अगर किसी ने उसका उल्लंघन किया तो उसे सजा भी दी जाती है। धीरे धीरे स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है, और आज इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर उम्र के लोग अपने पास आज के समय में मोबाइल जरूर रखते हैं, और कुछ लोगों को तो इसकी इतनी बुरी लत लग जाती है कि हर वक्त उन्हें बस मोबाइल चाहिए होता है। जब मोबाइल ना हो तो उनके अंदर एक अलग ही बेचैनी होने लगती है। जहां लोगों के बीच इस आदत को छुड़ाने के लिए एक महिला ने ऐसा काम किया है जिसे जानकर आप भी उनकी सराहना करेंगे। हम जिस महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनका नाम मंजू गुप्ता है, जिनके बारे में सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ उनके पड़ोस में खूब चर्चा चल रही है। मंजू गुप्ता ने अपने परिवार के लोगों के बीच उनके इस्तेमाल को कम करने के लिए एक ऐसी रणनीति अपनाई है जो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल मंजू गुप्ता ने एक समझौता किया जिसके तहत अपने परिवार के सामने उन्होंने 3 शर्त रखी, और अगर कोई इसका पालन करने में असफल होता है तो उसके लिए सजा की भी व्यवस्था है। इस समझौते की तस्वीर काफी वायरल भी हो रही है, जिसमें सारे नियम एक गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर लिखे गए हैं। अगर आपको इसके पहले नियम के बारे में बता दे तो पहला नियम ये है कि आपको सुबह उठकर सबसे पहले सूरज को देखना है, ना कि अपने फोन को। दूसरा नियम ये है कि रात का खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर किसी के पास फोन नहीं होना चाहिए और लोग सिर्फ खाना खाएंगे। तीसरा नियम ये है कि शौचालय जाते समय किसी भी सदस्य के पास फोन नहीं होना चाहिए। अब यह सारे तो हो गए नियम, अगर कोई इसका पालन नहीं करेगा तो इसमें यह भी लिखा है कि अगर कोई भी इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे 1 महीने के लिए स्विगी और जोमैटो का एक्सेस नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि जब से सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें वायरल हुई है, तब से लोगों को यह समझौता इतना पसंद आ रहा है कि लोग इसकी तारीफ करते थक नहीं रहे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लोगों के बीच फोन का इस्तेमाल कम करने के लिए मंजू गुप्ता ने यह एक बहुत बड़ी पहल की है, और जिस तरह उन्होंने नियम शर्तों के साथ सजा का प्रावधान रखा है, परिवार वाले इसका पालन भी कर रहे हैं। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा जी.com।